मुसलमान को आग से बचाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया, जब आपको पता चला कि हर मुसलमान मोमिन को आग से बचाना है दोजख की आग से। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई कि कु अनफुसकुम अहलिकुम नारा, के अपने फैमिली को अपने स्पाउस को बचाओ आग से, तो क्या है दोजख की आग से बात है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश रिश्तेदारों को डराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को एड्रेस किया, पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी और आम भी और ख़ास भी। ए बनू काब इब्ने लुई, अपने आप को आग से बचाओ। ए बनू मरी बिन काब, अपने आप को आग से बचाओ। ए बनू अब्दुश्शम्स, अपने आप को आग से बचाओ। ए बनू अब्दुल्ला मुनाफ, अपने आप को आग से बचाओ। ए बनू अब्दुल मुतल्लिब, अपने आप को आग से बचाओ। ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को आग से बचाओ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए किसी का इख्तियार का मालिक नहीं। कौन कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तुमसे जो रिश्तेदारी और ख़ुर्बतदारी है ये यहीं तक है, आखिरत में कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। ख़ुद अपने आमाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों से फैमिली वालों से कह रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? इस दुनिया में ही हम कोशिश करना है, क्योंकि दोज़ख की आग बहुत बुरी है। क्योंकि दोज़ख की आग तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ है, वो अपने आप में भड़क रही है गुस्से से और दोज़ख के पार्ट्स ईटन अप हो जा रहे हैं, खुद ही दोज़ख अपने आप को खा ले रही। तो हर नमाज के बाद दोज़ख से पनाह चाहना चाहिए, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार, और अपने आप को सेफगार्ड प्रोटेक्ट नहीं करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपने पेरेंट्स अपने सारे कुंबे कबीले को, क्योंकि जन्नत जाने का एक ही चांस है जो इस दुनिया में अच्छे आमाल, और अच्छे आमाल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तौहीद, उसके बाद आपके जो आमाल बाकी के चीज़ें चेक किए जाएंगे, लेकिन तौहीद सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को भी तौहीद पर रखना है, अपनी फैमिली, हमारे पास ऐसा दीन नहीं है कि खुद फॉलो करो और दूसरों को नहीं। याद करिए वो हदीस जिसमें बताया गया कि वो शख्स को पहले अज़ाब दो जो ख़ुद फॉलो कर रहा था और दूसरों को नहीं बता रहा था। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है, तवासो बिल हक़ी व तवासो बिल सब्र करना है, ये हमारा दीन है। हमारा दीन ये नहीं है कि ख़ुद फॉलो करो और दूसरे नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।